हिमाचल पेंशन फेडरेशन की बैठक ताल में ओपी भारद्वाज चीफ पेंशन फेडरेशन की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें भारी संख्या में पेंशनर्स ने भाग लिया। इस बैठक में विशेष रूप से घुमारवी में संतोषी माता मंदिर में हुई बैठक पर चर्चा की गई। इस बैठक में रामस्वरूप शर्मा को हिमाचल पेंशन फेडरेशन हमीरपुर जिला का सर्वसहमति से हमीरपुर का प्रधान चुना गया। जगदीश चंद को हमीरपुर जिला का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। रोशन लाल को कोषाध्यक्ष तो प्रकाश चंद्राही को सलाहकार चुना गया। कार्यकारिणी आगामी दिनों में फेडरेशन की मेंबरशिप करेगी और आगामी समस्याओं पर भी अपना पक्ष रखेगी। बैठक में निर्णय किया गया कि सरकार 5%, 10%, 15% और 20% के ऊपर डीए लगाकर उसको मूल पेंशन में डाला जाए। इसके साथ ही पंजाब के आधार पर एलटीसी के एवज में मिलने वाली पेंशन भी हिमाचल के पेंशनरों को सरकार जल्द दे। इसके अलावा बैठक में पेंशनरों को आ रही समस्याओं को लेकर गहनता से चर्चा की गई और उन्हें जल्द ही चुनावों के बाद सरकार के समक्ष रखकर समस्याओं को हल करवाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई। भारद्वाज सच्चे हिमाचल पेंशनर फेडरेशन से बोल रहा हूँ। फेडरेशन पेंशन के लिए उनकी सहूलत के लिए बनाई गई है। जब हमने सरकार के साथ कोई बात करना चाहते हैं तो सरकार हमारे से कहती है कि आपका संगठन जो है कई मंचों में बांटा है। तो मैं सभी संगठन से ये चाहता हूँ कि एक मंच में आए ताकि हमारा फेडरेशन जो है वो सरकार जो वो हमारी मांगे माने। जैसे कि हमारी 5, 10, 15, 20% जो मतलब पेंशन जो मूल पेंशन में मिलनी चाहिए, जिससे सरकार जो है वो मतलब समर्था जाहिर करी है। तथा मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सभी को जो हमारी पुरानी मांग है एलटीसी का जो एवज है वो भी पेंशन के साथ मिलना चाहिए। मेरी पेंशन भाइयों से यही मांग है कि सभी संगठन मिलकर फेडरेशन में शामिल हों ताकि हमारी एकता जो है वो सरकार को दर्शाए। जय भारत, जय हिमाचल।